हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रेनू फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। और आज हम प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, मेन जो मैकेनिज्म होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने ये बता रखा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो दो भागों में डिवाइडेड होती है। एक भाग होता है वो प्रकाशिक रिएक्शन होती है, यानी प्रकाश लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, और दूसरी जो होती है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। तो पहले हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करेंगे, यानी वह क्रिया जिसमें लाइट की आवश्यकता होती है। इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब वन फोटोन एंड लूज इन वन इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो प्रकाश पर निर्भर करने वाली क्रिया होती है उसमें पिगमेंट क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो एक फोटोन को तो अवशोषित करता है और एक इलेक्ट्रॉन को वो वापस बाहर निकालता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रोसेस टू अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल कॉल्ड फियोफाइटिन। यह जो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो फिर एक रूपांतरित फॉर्म होती है क्लोरोफिल की, जिसे हम फियोफाइटिन कहते हैं, उसके द्वारा उससे होता हुआ पासिस द इलेक्ट्रॉन टू अ क्यूनॉन मोलिक्यूल। मतलब पहले यह फियोफाइटिन के पास पहुँचता है, फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्यूनॉन मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, स्टार्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की एक श्रृंखला बन जाती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे की तरफ, विच लीड्स टू द अल्टीमेट रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH। यानी इसका जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है हमारे पास जो NADP के फॉर्म में जो एक उपापचयी ऊर्जा होती है उसको हम NADPH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी अपचयन हो जाता है। इन एडिशन दिस क्रिएट्स अ प्रोटोन ग्रेडियंट। इसके अलावा, इसके साथ ही यह एक क्योंकि हम इसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो एक प्रोटोन ग्रेडियंट जनरेट होता है अक्रॉस द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट की जो झिल्ली होती है उसके अक्रॉस एक प्रोटोन ग्रेडियंट जनरेट होता है, विच इज़ यूज बाय ATP सिंथेस। ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है वो ATP सिंथेस जो एंजाइम होता है वो उसको यूटिलाइज कर लेता है, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को, इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, और ATP का सिंथेसिस करता है। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अल्टीमेटली रिगेन्स द इलेक्ट्रॉन इट लॉस्ट व्हेन अ वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोलाइसिस। यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से जो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया है, वो इलेक्ट्रॉन वापस इसको मिल जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, किसके द्वारा? हमने बताया था कि वाटर का जल, पानी का जो अपघटन होता है, जल अपघटन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा, प्रकाशीय अपघटन जिसे अपन कहते हैं, जल का अपघटन होता है लाइट एब्जॉर्प्शन के द्वारा, और साथ ही इसके द्वारा इट रिलीजेज डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यह रिलीज करता है। द ओवरऑल इक्वेशन फॉर द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अंडर द कंडीशन ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ग्रीन प्लांट्स इज, यानी कि जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो होती है 2H2O प्लस 2NADP प्लस प्लस 3ADP प्लस 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसे PI को हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं, यानी अकार्बनिक फॉस्फेट कहते हैं, प्लस लाइट। तो अल्टीमेटली जो गेन होता है वो होता है 2NADPH प्लस 2 प्रोटोन जो होते हैं, हाइड्रोजन आयन मिलते हैं हमें, प्लस 3 ATP बनते हैं, और ऑक्सीजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इन प्लांट्स लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर्स इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर दे ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADP। यानी कि हम ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होती है तो हमें पता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की भी जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पाई जाती है ये उसके अंदर होती है, और यहीं पर ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। यानी अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि NADPH और ATP फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रकाशीय अभिक्रिया जब चल रही होती है, प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन जब चल रही होती है तब होता है। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आर ऑफ टू फॉर्म्स, यानी कि ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसको हम फर्दर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि ये दो तरीके से हो सकती है, एक होती है साइक्लिक और एक होती है नॉन साइक्लिक। यानी कि एक को हम चक्रीय कहते हैं और दूसरी जो होती है अचक्रीय साइकिल होती है। इन द नॉन साइक्लिक रिएक्शन द फोटोन आर कैप्चर्ड इन द लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड बाय क्लोरोफिल एंड अदर एसेसरी पिगमेंट्स। यानी कि जो अचक्रीय क्रिया होती है उसमें जो फोटोन होता है वो लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट को कैप्चर करने वाला एक एंटीना कॉम्प्लेक्स पाया जाता है फोटोसिस्टम सेकंड,
फोटोसिस्टम सेकंड क्या है इसके बारे में, जिससे हम P680 भी कहते हैं, इसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं इससे प्रीवियस क्लासेस में। क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है और उसके साथ ही इसके कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, सहायक जो लवक होते हैं, वर्णक जो होते हैं, वो भी पाए जाते हैं जो इस रिएक्शन में इनको हेल्प करते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन बाय द एंटीना कॉम्प्लेक्स फ्रीज एन इलेक्ट्रॉन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन। यानी कि जैसे ही हम कह रहे हैं कि एंटीना कॉम्प्लेक्स एक फोटोन को एब्जॉर्व करता है, उसके जस्ट साथ में ही वह एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है, और ये जो फ्री होने की जो ये रिएक्शन होती है वो कहलाती है फोटो इंड्यूस चार्ज सेपरेशन, यानी कि प्रकाश के द्वारा इंड्यूस होने वाला एक चार्ज सेपरेशन होता है ये। द एंटीना सिस्टम इज एट द कोर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ द फोटो सिस्टम सेकेंड रिएक्शन सेंटर। यानी कि जो प्रकाश तंत्र द्वितीय होता है उसका जो रिएक्शन सेंटर जो होता है, रासायनिक क्रिया का केंद्र जो होता है, उसका जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, उसका जो कोर होता है, वहाँ पर ये एंटीना सिस्टम प्रेजेंट होता है। दैट फ्रीड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल फियोफाइटिंग। यानी कि यह जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो सबसे पहले पहुँचता है, जो सबसे पहला प्राथमिक जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है हमारे पास में, जो हम पहले ही बता चुके हैं, फियोफाइटिन होता है। एज द इलेक्ट्रॉन आर सेटल थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, इट इनिशियली फंक्शन टू जनरेट अ केमियोस्मोटिक पोटेंशियल बाय पंपिंग प्रोटोन कैटायन अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड इनटू द थायलाकॉइड स्पेस। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सेटल्ड होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में चलने लगता है, सबसे पहले यह कार्य करता है, एक कीमोस्मोटिक पोटेंशियल को जनरेट करता है। कैसे करता है? यह प्रोटोन आयन को पंप करता है, जिससे कि ये कीमोस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है जनरेट होता है अक्रॉस द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड स्पेस। यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसके तो अक्रॉस जो होता है ये कीमोस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट होता है। एन एटीपी सिंथेस एंजाइम यूज दिस कीमोस्मोटिक पोटेंशियल टू मेक एटीपी। एक एटीपी सिंथेस एंजाइम, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये क्या करता है, इस कीमोस्मोटिक पोटेंशियल को यूटिलाइज कर देता है और एटीपी बनाता है ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये जो क्रिया होती है उसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया कहते हैं। वेयर एज NADPH इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द टर्मिनल रिडॉक्स रिएक्शन इन द जेड स्किन। यानी कि ये जो अचक्रिय साइकिल है इसे हम जेड स्किन भी कहते हैं, और इस जेड स्कीम का जो रिडॉक्स रिएक्शन का जो टर्मिनल रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसके अंत में हमें NADPH मिलता है। द इलेक्ट्रॉन एंटर द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन फोटोसिस्टम फर्स्ट। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फोटोसिस्टम फर्स्ट में एंट्री कर लेता है। देयर इट इज़ फर्दर एक्साइटेड बाय द लाइट एब्जॉर्ब बाय द फोटोसिस्टम। और इसके आगे जो फोटोसिस्टम प्रकाश तंत्र है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है उससे वो आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। द इलेक्ट्रॉन इज देन पास्ड अलोंग ए चैन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू विच इट ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी। यानी कि इसके बाद में एक चैन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली ये एक कंप्लीट चेन बनी हुई होती है, जहाँ पर ये थोड़ी बहुत अपनी एनर्जी भी रिड्यूस करता है, ट्रांसफॉर्म करता रहता है। द एनर्जी डिलीवर्ड टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज यूज टू मूव हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन इन टू द ल्यूमेन। यानी कि ये जो एनर्जी डिलीवर्ड होती है टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को जो एनर्जी यूटिलाइज मिलती है वो इसको यूटिलाइज करते हैं टू मूव हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द थाय, मतलब हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटोन, जो ग्रेडियंट हमने अभी बात की थी उस ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम जो होता है वो इसी एनर्जी के द्वारा होता है। द इलेक्ट्रॉन इज इवेंचुअली यूज टू रिड्यूस द को एंजाइन NADP विथ अ प्रोटोन टू NADPH। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है टू रिड्यूस कर देता है NADP को NADPH में। एट दैट पॉइंट द पाथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एंड्स। और इसी जगह पर जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन का लास्ट यूटिलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैवलिंग होती है वो खत्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर एंड हो जाती है। इसे हम नॉन साइक्लिक साइकिल कहते हैं, अचक्रीय जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अचक्रिक जो प्रोसेस होती है वो थी। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ नॉन साइक्लिक, यह नॉन साइक्लिक के समान ही होती है, बट डिफर्स इन दैट इट जनरेट ओनली ATP। अगर हम इनके अंतर की बात करें तो ये सिर्फ हमने कहा था जो अचक्रीय होती है उसमें ATP और NADPH दोनों बनते हैं, लेकिन जो चक्रीय होती है
उसमें सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन होता है, एनएडीपी जो होता है वो एनएडीपीएच में रिड्यूस नहीं होता है। द साइक्लिक रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली एट फोटोसिस्टम फर्स्ट, यानी कि अभी हमने बताया जो नॉन साइक्लिक होता है उसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो साइक्लिक प्रोसेस होती है वो सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट से ही शुरू होकर के फोटोसिस्टम फर्स्ट में ही खत्म हो जाती है। फोटोसिस्टम सेकेंड का जो होता है इसमें यूटिलाइजेशन नहीं होता है। वंस द इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेस फ्रॉम द फोटोसिस्टम द इलेक्ट्रॉन इज पास डाउन द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एंड रिटर्न टू फोटोसिस्टम फर्स्ट, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फोटोसिस्टम फर्स्ट से ही डिस्प्लेस होकर के फोटोसिस्टम फर्स्ट में ही वापस रिटर्न हो जाता है फ्रॉम वेयर इट वॉज इमिटेड, यानी ये वापस उसी स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ से यह शुरू हुआ था, एमिटेड हुआ था, जहाँ से बाहर निकला था। इसीलिए इस साइकिल को हम नॉन साइक्लिक रिएक्शन कहते हैं, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर आकर के ये वापस खत्म हो गया। नाउ द स्लाइड इज शोइंग द नॉन साइक्लिक प्रोसेस, यानी जिसे हम जेड स्कीम भी कहते हैं। इसमें बच्चों आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हुआ है वाटर की स्प्लिटिंग हुई है, प्रोटोन निकला है, ऑक्सीजन निकली है, इलेक्ट्रॉन निकला है, और सबसे पहले ये फोटोसिस्टम सेकेंड में जाता है, वहाँ से ये जिसे हम P6ATP भी कहते हैं, वहाँ से ये फियोफाइटीन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ ये फोटोसिस्टम फर्स्ट में पहुँचता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट में फिर से लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद में देखिए P700 पर ये आगे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से ट्रांसफर होता हुआ, फेरिडॉक्सिन से होता हुआ फाइनल जो रिएक्शन देता है ये देता है कि NADP का जो ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ है वो NADP के द्वारा NADP रिडक्टेज एंजाइम इसको यूटिलाइज करता है और प्रोटॉन का एडिशन होकर के NADPH का फॉर्मेशन करता है। नाउ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, अगर हम प्रकाश संश्लेषण की दूसरी क्रिया, ये तो हमने ATP और NADPH जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है उसका हमने फॉर्मेशन कर लिया है। जो मेन साइकिल होता है जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं, केल्विन साइकिल जो होता है मेनली तीन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कार्बन फिक्सेशन यानी कार्बन का स्थिरीकरण करना। इन कार्बन फिक्सेशन अ CO2 मॉलिक्यूल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंबाइन विद अ 5 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कॉल्ड रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फीन, यानी कि फिक्सेशन की क्रिया में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एटमॉस्फेयर से जो CO2 मॉलिक्यूल आता है वो सबसे पहले एक 5 कार्बन वाला एक एक्सेप्टर यानी ग्राही मॉलिक्यूल होता है जिसे हम रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट या RUPP कहते हैं, उसके द्वारा कंबाइन हो जाता है उसके साथ में जाके, एंड द रिजल्टिंग 6 कार्बन कंपाउंड इज देन स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 3 कार्बन कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि इन दोनों का जो कंबाइन हुआ 5 कार्बन का और एक CO2 मॉलिक्यूल, तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो अगले स्टेप में जाकर के 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट आउट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है जिसमें 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनते हैं जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं या 3-फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड भी कहा जाता है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सीलेज और ऑक्सीजिनेज, यानी कि यह जो क्रिया होती है वो RUBP कार्बोक्सीलेज एंड ऑक्सीजिनेज जो एंजाइम होता है जिसे हम रूबिस्को भी कहते हैं। बच्चों रूबिस्को को आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा जब मैं आपको PDF में नोट्स प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि रूबिस्को पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्यू टू द की रोल इट प्ले इन फोटोसिंथेसिस रूबिस्को इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, यानी कि रूबिस्को जो है वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इसका की रोल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक बार कार्बन का फिक्सेशन हो गया तो उसके बाद जो होती है वो रिएक्शन होती है रिडक्शन यानी अपचयन की क्रिया होती है। इन द सेकेंड स्टेज ऑफ केल्विन साइकिल द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो हमारा बना है, जो अभी हमने बनाया था मॉलिक्यूल, इट क्रिएट्स थ्रो कार्बन फिक्सेशन आर नाउ कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल ऑफ अ सिंपल सुगर, यानी कि ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो एक कंपेरेटिवली एक सरल शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम G3P या ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल कहते हैं। दिस स्टेज यूजेज एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH क्रिएटेड इन द लाइन डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस जगह हमें ATP और NADPH यानी हमें ऊर्जा का व्यय करना पड़ेगा इस रिएक्शन को करवाने के लिए, और ये जो ऊर्जा होती है हमें हमारे जो प्रकाश डिपेंडेंट रिएक्शन जो थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन उसमें हमने जो ऊर्जा बनाई थी उसका हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं। इन दिस वे द केल्विन साइकिल बिकम द वे इन विच
प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इंटू लॉन्ग टर्म स्टोरेज मॉलिक्यूल सच एज शुगर। और यही वह रास्ता है, वह क्रिया है जिसके द्वारा केल्विन साइकिन के द्वारा प्लांट जो होते हैं वो अपनी जो एनर्जी होती है जो सनलाइट से वो लेते हैं उसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज मॉलिक्यूल्स यानी कि लंबे समय तक संग्रहित करके रखने वाले मॉलिक्यूल जिसे कि हम शुगर्स कहते हैं, शर्करा कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी एंड एनएडीपीएच इज ट्रांसफर टू द शुगर, यानी कि वो जो ऊर्जा होती है वो एनएटीपी और एच और एटीपी से शुगर को ट्रांसफर कर दी जाती है। दिस स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन बिकॉज एनएटीपी एच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल टू क्रिएट ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। यानी कि इस क्रिया को हम ये रिडक्शन रिएक्शन क्यों कहते हैं, रिडक्शन क्योंकि यहाँ एनएडीपीएच का रिडक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, वापस एनएडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल होता है वो एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण कर लेता है एंड इट क्रिएट्स ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इन केमिस्ट्री द प्रोसेस ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन वाइल द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और ये हमने नाम इस रसायन शास्त्र के अकॉर्डिंग रखा है क्योंकि रसायन शास्त्र में जब हम बात करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन यानी अपघटनकारी रिएक्शन कहते हैं और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकारक रिएक्शन कहते हैं। और द थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज रीजनरेशन, सम ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल गो टू मेक ग्लूकोज। अब ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तो ग्लूकोज बना देते हैं, शर्करा का निर्माण कर देते हैं, वाइल अदर्स मस्ट बी रिसाइकल टू रीजनरेट द 5-कार्बन RUBP कंपाउंड दैट इज यूज टू एक्सेप्ट न्यू कार्बन मॉलिक्यूल्स। यानी कि इसमें से कुछ जो होते हैं वो तो शर्करा बना देंगे, कुछ जो होते हैं वो वापस कन्वर्ट होते हैं 5-कार्बन के अणु RUBP में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कंटिन्यूस रखने के लिए हमें फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की कार्बन एक्सेप्टर की ज़रूरत होगी। तो ये RUBP जो होता है वो फिर से बन जाता है 5-कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो फिर से नए सिरे से CO2 के साथ कंबाइन होकर के फिर से हमारा जो साइकिल है उसको शुरू कर देता है। द रीजनरेशन प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर्स ATP, यानी ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है उसमें भी ATP की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व मैनी स्टेप्स, और ये एक कॉम्प्लेक्स स्टेज है, रिएक्शन है हमें पता है, जिसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। बिकॉज इट टेक्स 6-कार्बन मॉलिक्यूल्स टू मेक अ ग्लूकोज, 6-कार्बन मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है हमें पता है ग्लूकोज को बनाने के लिए, दैट्स दिस साइकिल मस्ट बी रिपीटेड 6 टाइम टू मेक अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए गैल्विन साइकिल का ये जो साइकिल होता है उसे कम से कम 6 बार रिपीट होना पड़ता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल आएंगे तब जाकर के हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। टू अकम्प्लिश दिस इक्वेशन 5 out of 6 ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स दैट आर क्रिएटेड थ्रू द केल्विन साइकिल आर रीजनरेटेड टू फॉर्म RUBP मॉलिक्यूल। और इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को हमें पूरा कंप्लीट करने के लिए जब 5 जो 6 ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनते हैं उसमें से 5 जो होते हैं वो केल्विन साइकिल की रीजनरेशन की प्रोसेस में चले जाते हैं, फिर से RUBP मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं एंड द 6th जो एक लास्ट बचता है एग्जिट द साइकिल टू बिकम 1/2 ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 1/2 बनाने के लिए यूटिलाइज होता है। नाउ द स्लाइड इज शोइंग द प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल जिसमें आप बता सकते हैं, देखिए बच्चों हमने इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। फेज 1 जो है वो कार्बन फिक्सेशन है जो हम पहले ही बता चुके हैं, जिसमें हमने बताया आपको कि 6 कार्बन का वो जो फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट जिसे आप कहते हैं वो बनता है। ATP और NADPH का यूटिलाइजेशन होता है जिससे सेकेंड रिएक्शन जो होती है वो रिडक्शन रिएक्शन होती है, जिसमें ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो होता है वो एक शुगर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है और आगे की रिएक्शन के लिए ट्रांसफर हो जाता है, जिसे हम फेज 3 कहते हैं, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर यानी फिर से RUBP का बनना। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है जब तक कि हमारा चलती ही रहेगी, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली रिक्वायरमेंट रहती है ऑक्सीजन की, प्लांट्स को कंटिन्यूअसली रिक्वायरमेंट रहेगी शुगर्स की, और जो CO2 हम श्वसन क्रिया में निकाल रहे हैं उसको भी अर्थ पर हमें स्टेबलाइजेशन बना के रखना है, उसका संतुलन बना के रखना है, तो प्रकाश संश्लेषण उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नाउ सम फैक्टर्स आर देयर विच अफेक्ट फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इंक्लूड्स लाइट इंटेंसिटी, हमें पता है कि इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी रिजल्ट इन अ हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जितनी ज़्यादा लाइट की जो
तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होगी, उसकी दर ज्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड लो इंटेंसिटी और वाइस वर्सा, मतलब उल्टा इफेक्ट डालेगा अगर ये कम हुई तो। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू डेफिनेटली, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो विच हेल्प्स इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कम होगी तो कम होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। टेम्परेचर, फॉर एफिशियंट एग्जीक्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को स्मूथली करने के लिए, अधिक प्रभावी रूप से करने के लिए हमें जो एक टेम्परेचर की रेंज होती है, जो एवरेज टेम्परेचर की रेंज होती है, वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। अब वाटर, एज वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, इट्स डेफिशिएंसी कैन लीड्स टू प्रॉब्लम इन टू इंटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हमें पता है जब प्रकाश का, जल का अपघटन होगा तभी हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाद में यूटिलाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड आगे की रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। द स्कार्सिटी ऑफ वाटर लीड्स टू द रिफ्यूजल ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग टू रिटेन द अमाउंट ऑफ वाटर दे हैव स्टोर्ड इनसाइड। यानी कि जो पानी की जो कमी होती है वो स्टोमेटल ओपनिंग यानी स्टोमेटा के खुलने की क्रिया को बंद कर देती है, क्योंकि उसके अंदर ही पानी रिटेन रहता है, वो खुलेंगे तो ये प्रोसेस जो होती है वो एडवर्स इफेक्ट डालती है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे। एंड पोल्यूशन, डेफिनेटली जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स होते हैं और जो अदर पार्टिकुलेट्स होते हैं मैं सेटल ऑन द लीफ सरफेस, वो लीफ की सरफेस पे अगर सेटल हो जाते हैं तो वो स्टोमेटा को ब्लॉक कर देते हैं, स्टोमेटा के छिद्र को बंद कर देते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर निकलने की क्रिया होती है वो रुक जाएगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर एडवर्स इफेक्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में कंप्लीट हमारा आज हो चुका है, जिसमें हमने सारी रिएक्शंस बता दी हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसकी मैकेनिज्म के बारे में बता दिया है। इनके नोट्स जो हैं वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे ग्रुप में सेपरेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।